हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बच्चों कंपाउंड गिवन है, जैसे कि ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनल, इथेनल। अब इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो अब अगर हम बात करें, जैसे हमारा कार्बोनिल ग्रुप यही होता है बच्चों। अब बच्चों जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें पोलैरिटी होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों उतना ही आसानी से और फास्ट इस पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ओ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा बच्चों। अगेन क्या करेंगे, इसका वर्कअप करा देंगे। वर्कअप कराने का मतलब है बच्चों इसको एच प्लस दे देंगे। जब इसको एच प्लस देंगे तो ओ नेगेटिव एच प्लस को लेगा, लेने के बाद इस तरीके का हमारा एक कंपाउंड बन करके तैयार हो जाएगा बच्चों। तो हमें क्या चेक करना है, कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट उस पर अटैक करेगा। तो अब सबसे पहले ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। किसका? ब्यूटेनोन का। तो CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्यूटेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेनोन कहते हैं। इसी तरीके से प्रोपेनोन की बात करेंगे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसको क्या कहते हैं? प्रोपेनोन कहते हैं, प्रोपेनोन कहते हैं। प्रोपेनल को क्या कहते हैं? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे बच्चों प्रोपेनल है तो इसमें बच्चों तीन कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे प्रोपेनल में? तीन कार्बन होंगे। तो जरा इसको डेवलप करेंगे, यहाँ पे CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बच्चों क्या है? प्रोपेनल है, प्रोपेनल। और यहाँ पे लास्ट में क्या है? इथेनल है। तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको इथेनल कहते हैं। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन है ये कीटोन है, और जो प्रोपेनल है इथेनल है, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स रेट किसका ज्यादा होगा? तो एल्डिहाइड का ज्यादा होगा बच्चों। यहाँ पे रीजन समझा देते हैं बच्चों। जैसे अब कीटोन में क्या है, यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप है, तो दो दो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेंगे। जबकि अगर हमारे एल्डिहाइड में देखें तो एल्डिहाइड में क्या है, एक साइड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट होता है बच्चों जीरो होता है। तो बेसिकली यहाँ पर केवल एक ही मिथाइल ग्रुप है तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम नहीं कर पाएगा, तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा। अब ब्यूटेनोन प्रोपेनोन में कंपेयर करेंगे तो ब्यूटेनोन में यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और ज्यादा कम करेगा तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा प्रोपेनोन का। इसी तरीके से प्रोपेनल और इथेनल में कंपेयर कर देंगे तो इथेनल का रेट ज्यादा होगा क्योंकि प्रोपेनल में यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो इससे रिएक्टिविटी कम हो जाएगा बच्चों। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इथाइल ग्रुप और ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करेगा, जबकि CH3 उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम नहीं कर पाएगा। तो ये इनका ऑर्डर बन जाएगा, ब्यूटेनोन से ज्यादा प्रोपेनोन का होगा, प्रोपेनोन से ज्यादा प्रोपेनल का होगा, प्रोपेनल से ज्यादा बच्चों इथेनल का रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सी डी गलत हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।